गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द पोएम स्क्वायर। पोएट है मिल्ड्रड बोर आर्मस्ट्रांग। सेवेंथ क्लास की पोएम है, फर्स्ट पोएम है, छोटी सी पोएम है और बहुत ही प्यारी सी पोएम है। स्क्वायरल होता है गिलहरी, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। एक ही पैराग्राफ है पोएम में, बहुत इजी पोएम है, कोई इसमें डिफिकल्ट वर्ड नहीं है। फर्स्ट पैराग्राफ है पोएम का, ही वोर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, एन ओवरकोट ऑफ ग्रे। He sat up straight to eat a nut. He liked to tease and play. And if we ran around his tree, he went the other way. अब ये जो वर्ड ही आया है इस पोएम में, ये किसके लिए आया? ही का मतलब स्क्वायरल, यानी कि गिलहरी के लिए आया है ये। ही वोर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल। अब ये देखो, टेल जो है इसकी, ये क्वेश्चन मार्क जैसी है। गिलहरी की टेल हमेशा ऐसे मुड़ी हुई होती है, क्वेश्चन मार्क जैसी होती है। ही का मतलब स्क्वायरल। ही वोर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, यानी कि इसकी जो पूंछ होती है वो पर्सन चिन्ह जैसी होती है। क्वेश्चन मार्क को हम क्या कहते हैं? पर्सन चिन्ह, क्वेश्चन मार्क जिसे कहते हैं, पर्सन के आखिर में जो लगाया जाता है। एन ओवरकोट ऑफ ग्रे, ओवरकोट क्या होता है? अब गिलहरी ओवरकोट तो पहनती नहीं है, कोट कपड़े तो ये पहनती नहीं है, लेकिन ओवरकोट ऑफ ग्रे क्यों कहा गया है? क्योंकि इसकी जो स्किन का कलर है, इसके ये जो स्किन का कलर है वो कैसा है? ग्रे। ओवरकोट ऑफ ग्रे का मतलब क्या है? इसकी जो स्किन है उसका कलर कैसा? ग्रे। ग्रे का मतलब स्लेटी रंग की है, स्लेटी स्लेटी सा इसका कलर होता है। He sat up straight to eat a nut. वो बिल्कुल सीधी बैठ जाती है। अब देखो, सीधी बैठी हुई है, वैसे तो चार हाथ पैरों से दौड़ती है, लेकिन बैठे हुए खाते हुए, जब नट्स का मतलब होता है मूंगफली कह लो, अखरोट कह लो, जो हार्ड कवरिंग वाले जो फ्रूट्स होते हैं जिसके बीच में गिरी होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? नट। तो वो जब भी नट खाती है तो बिल्कुल सीधी बैठ जाती है। He liked to tease and play. उसे परेशान करना बहुत अच्छा लगता है। जब भी गिलहरी होती है ना, पेड़ के पास आप बैठे होंगे तो गिलहरी एक बार भाग के आती है, थोड़ा सा आप देखोगे तो वापस भाग जाती है, और जैसे आप हाथ हिलाओगे तो भाग के फौरन पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है, तो उसे बड़ा मजा आता है। फिर आप शांत बैठ जाओगे तो वापस पेड़ से उतर के आती है और फिर से दोबारा से आपको छेड़ के, यानी कि तंग करके दोबारा से वापस चली जाएगी। तो ही लाइक टू टीच एंड प्ले, उसे शरारत करना बहुत अच्छा लगता है, ऐसे खेलना। एंड इफ वी रेन अराउंड हिज ट्री, लेकिन अगर हम उसके पेड़ के पास जाएंगे, अगर उसके पेड़ के पास भाग के उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, ही वेंट द अदर वे, तो वह पेड़ के ऊपर चढ़ जाएगी और छिप जाएगी। क्वेश्चन है इसके पोएम की, छोटी सी पोएम थी, सबको समझ में आ गई हो कि सिंपल सी लैंग्वेज में लिख रखी है। भी गिलहरी जो है उसकी पूंछ जो है पर्सन वाचक जैसी होती है, उसकी स्किन का कलर ग्रे होता है, वो सीधी बैठती है जब वो नट को खाती है, और उसे परेशान करना बहुत अच्छा लगता है, और ऐसे ही खेलती है वो। एंड इफ वी रेन अराउंड हिस्ट्री, अगर हम गिलहरी के पेड़ के पास जाने लगेंगे तो वो जो है भाग के पेड़ के ऊपर चढ़ जाएगी और छिप जाएगी, हमें दिखेगी नहीं। नेम द पोम एंड द पोएट, पोम क्या होगी हमारी? स्क्वायर। एंड द पोएट कौन है इसके? मिल्ड्रड बोर आर्मस्ट्रांग। सेकेंड क्वेश्चन, राइट द वर्ड्स दैट राइम टुगेदर। अब हमें पता होना चाहिए राइम का क्या मतलब होता है, ले। भाई कौन कौन से वर्ड्स की ले मिलती है? अब हम दोबारा से पोएम को देखते हैं, जैसे इसमें कौन से वर्ड्स है? ही वोर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल एंड अवर कोट ऑफ ग्रे। अब जैसे ग्रे आया है, ग्रे जैसी ले किससे मिलेगी? ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट ए नट, ही लाइक टू टीच एंड प्ले, प्ले ग्रे प्ले, एंड ही वेंट द अदर वे। अब ये तीनों वर्ड्स ले में हैं, ले मिलते हैं इनकी, ग्रे प्ले वे एक जैसे से आते हैं सुनने में, तो ये राइमिंग वर्ड है इस पोएम के। बट ग्रे प्ले वे। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द ओवरकोट ऑफ ग्रे, मतलब ओवरकोट ऑफ ग्रे का क्या मतलब है इस पोएम में? द ओवरकोट ऑफ ग्रे इज स्क्वायरल स्किन, यानी कि गिलहरी की खाल को कहा गया है ओवरकोट ऑफ ग्रे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में क्या आ जाता है? द स्क्वायरल वोर। अब जो स्क्वायरल है वो क्या पहने हुए है? हमने पोएम में पढ़ा था उसने एक कोट पहन रखा है, एंड ओवरकोट। When the squirrel raises the tail, और जब गिलहरी जो है पूंछ को उठाती है तो उसकी पूंछ कैसे होती है? It tips, tip होता है उसकी नोक, keeps pointing down, बिल्कुल ऐसे ऐसे हो जाती है, ये नीचे की तरफ होती है। It's never perpendicular, it stands equation to other, it looks strange, ये वाले नहीं है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा भाई, इसकी जो टिप है
उसकी जो पूंछ है ऐसे नीचे की तरफ क्वेश्चन मार्क की तरह आती है, इट्स टिप कीप्स पॉइंटिंग डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ह्यूमन रेन अराउंड द स्क्वेरल, अगर आदमी स्क्वेरल के साइड भाग के जाएंगे तो स्क्वेरल क्या करेगी? स्क्वेरल जो है वुड सोन हाइड इटसेल्फ, हाइड का मतलब होता है छिपा लेना, छिप जाना, तो वह अपने आप को जल्दी से छिपा लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्क्वेरल इट्स, स्क्वेरल क्या खाती है? पोएम में हमने पढ़ा था ये नट्स को खाती है। द स्क्वेरल इज टीजिंग द पोएट बाय, और कैसे टीज कर रही है वो कवि को? हाइड एंड सीक, अब ये इंपॉर्टेंट है, हाइड एंड सीक होता है छिपम छिपाई, हम जो लुकम छिपाई या छिपम छिपाई का खेल खेलते हैं उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइड एंड सीक, छुपम छुपाई।